नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नगर निगम इन दिनों दबंगों से परेशान होकर खुद अपने कार्य को स्वीकृत करने के बाद भी पूरा नहीं कर पा रहा है। ताजा मामला अंबिकापुर के वार्ड क्रमांक 20 के महावीर वार्ड का है, जहां दबंगों ने सीसी रोड निर्माण पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार नगर निगम ने कब से सड़क निर्माण को मंजूरी दे दी है, पर सीसी रोड के निर्माण में वहां रहने वाले कुछ दबंग उस जमीन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। वही बीते दिनों दबंगों ने मामले में महिला की भी पिटाई की थी, जिसकी शिकायत के बाद की कार्रवाई नहीं होने पर उसने मंत्री टीएस सहदेव से गुहार लगाई थी। वही मामले में निगम के आला अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही है। मिल के कब्जा कर उधर से निकलने के लिए मेरा रास्ता है, प्लाट है हमारा, उस प्लाट में जाते हैं तो रोक लगाती है। और कई बार तो लड़ाई झगड़ा करके मेरे को माँ बेटा सब मिल के इतना मारे हैं कि काला काला हो गए। मैं थाना में रिपोर्ट करी। विश्वकर्मा मंदिर के पीछे में जो सीसी रोड का एक मामला है, जो आपके माध्यम से संज्ञान मिला है, मैं उसमें विजिट करूंगा, क्योंकि मुझे यह पहले से हल्की जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इसमें सीसी रोड बनाने में ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। मामला को बैठकर सुझाव भी लिया जाएगा। ऐसी मैं अपनी टीम को भेजकर मैं एक आप लोगों को आश्वासन देता हूं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राम कुमार यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, नगर निगम का जिम्मा खुद है अतिक्रमण हटाने का, फिर भी वो नहीं हटा पा रहा, आखिर क्या वजह है? बता दूं आपको, ये जो नजूल की भूमि है इस पर सड़क बनने का जो प्रस्ताव पारित किया गया है नगर निगम की तरफ से, बावजूद इसके कि ये काम कई महीने पहले से ही पारित स्वीकृत है निगम की तरफ से, लेकिन वहाँ पे कुछ दबंगों के दबंगई के कारण निगम भी वहाँ से कुछ भी कुछ करने में अभी तक सफल नजर आ रही है। क्योंकि ये मामला अभी तत्कालिक नहीं है, कई महीने पहले का है। वो सड़क जो है सीसी रोड जो बनना है वो बनने नहीं दिया जा रहा है। इस बात की जानकारी निगम को भी है, निगम ने खुद कहा है कि उनको इस बारे में जानकारी है, लेकिन उस पर ये कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही, ये समझ से परे है। वाकई बात तो आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। आखिर क्या दबाव है नगर निगम पर जो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, दबंग अपनी दबंगई दिखा रहे हैं यहाँ पर? कोई राजनीतिक सपोर्ट है क्या यहाँ पर? राजनीतिक सपोर्ट की तो बात नहीं कहूंगा मैं तुमसे, लेकिन ये है कि उनके द्वारा भी शायद कोई दबाव होगा, हो सकता है कोई प्रशासनिक दबाव हो या सपोर्ट हो उनका, पॉलिटिकल सपोर्ट हो, जिस कारण से जो है निगम इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और अगर बात करें मोहल्ले वासियों की, अगर उन्होंने इस बारे में कदम उठाया, सड़क बनाने की बात कही और ये कदम उठाते हुए आवाज लगाई, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। एक महिला है जिन्होंने ये आवाज उठाई थी, उनके साथ मारपीट की गई थी। हो सकता है इस दबाव में, इस डर से हो सकता है कोई आगे और आना ना चाह रहा हो। क्यों नहीं यहाँ पर महिला की यहाँ पर पिटाई की गई है, क्या कोई इंतजार कर रहे हैं किसी की जान चली जाए तब जाकर कोई एक्शन लेंगे? हेलो राम कुमार, जिस तरह से महिला की पिटाई की गई और उसके बाद शिकायत भी की गई, फिर भी एक्शन नहीं लिया गया, तो क्या इंतजार कर रहे हैं किसी की जान चली जाएगी फिर कोई एक्शन लिया जाएगा? जी निश्चित तौर पर ये मानना सही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मारपीट होने के बावजूद भी प्रशासन शासन इसमें किसी तरह का कोई कड़ा रवैया नहीं अपना रहा है, तो निश्चित ही माना जाएगा कि बड़ा कोई घटना होने का इंतजार कर रही है प्रशासन। और चलिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। नरेश मंडावी हमारे साथ, नगर आयुक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। अंबिकापुर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर दबंगों से नगर निगम लगातार परेशान है और महावीर रोड में दबंग जो है सड़क निर्माण नहीं करने दे रहे हैं, आखिर क्या वजह है? ये इस मामले में आपके द्वारा संज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं भी इंजीनियर की टीम को भेजा हूँ, उसमें भूमि विवाद है उसमें, और रिपोर्ट अभी आने के बाद इसमें क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जमीन विवाद का मामला है तो इंजीनियर की टीम गई हुई है जाँच करने के लिए, और उसके बाद इस निर्णय हम कर पाएंगे। पर आप कह रहे हैं अभी अभी संज्ञान में मामला आया है, जब महिला की पिटाई की गई वहां पर, उसने शिकायत की लगातार, क्या किसी की जान जाने का इंतजार कर रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमने कल आपकी चैनल के माध्यम से प्राप्त हुआ था ना, क्योंकि जमीन विवाद है इसी कारण से इसमें रिव्यू भी टीम जाती है, रिव्यू टीम का इंजीनियरिंग टीम गई हुई है और उसके बाद ही हम इसमें जो भी उचित कार्रवाई है। चलिए उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो रोड निर्माण अधूरा पड़ा है वो जल्द से जल्द कार्य शुरू हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हमने बात की, आपने खुद सुना, क्या उनका कुछ कहना था कि अभी अभी संज्ञान में आया है, आगे जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इतने लंबे समय से जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, बस सब बातें ही हो रही हैं यहाँ पर। तो राम कुमार जी, जी जी शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है और आगे बढ़ेंगे इस वक्त।